ही हंस दे रिंकिया के पापा ही। छोटू भाई देखो पागल बेटा आ गया। पापा हम खेलने जा रहे हैं क्या? आज उसे आने दो, आज देखता हूँ उसे। आप क्या देखोगे, आप तो कुछ छोटे से हो। यश बेटा प्रिंस का ध्यान रखना, ये थोड़ा पागल है। अरे आप चिंता मत करो, मुझे पता ही पागल है, मैं उसका ध्यान अच्छे से रखूंगा, डोंट वरी। चले ठीक है बच्चों, जाओ अपना ध्यान रखना। बाय बाय। और पागल बेटे क्या खाएगा? भैया मुझे कुल्फी खानी है। अच्छा कौन सी कुल्फी खाएगा? मैं गर्म कुल्फी खाऊंगा। अरे बेटा गर्म ही ठंडी कुल्फी होती है। मुझे गर्म कुल्फी चाहिए, जहाँ मर्जी ला के दो। लाओ ना, तू भी ला। अबे जो जो कहाँ फंसा दिया तूने ये? यार चलो मुझे कुल्चे खाने। ठीक है पुनीत, तू भाई को कुल्चे खिला के ला, मैं यहाँ पे बैठता हूँ। चल। भाई मुझे एक बात पूछनी थी तेरे से। क्या? इसको पागल बेटा क्यों बोलते हैं? तुझे अभी दिखाता हूँ, एक काम कर, 10 रुपए निकाल, थोड़ी जल्दी दे दिए। पागल बेटे हाँ मैंने तुझे 10 रुपए दे रहा हूँ, तू मुझे 5 रुपए खुले दे दे। हाँ ठीक है भैया। भैया कितना वो करते हैं, आपको जरूरत तो होगी ना। 10 रुपए और 500 रुपए छुट्टे, ये लो। कहा था ना असली पागल है ये। हाँ सही बोल रहा यार। भैया 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 अब मुझे ना तुम 10 रुपए के छुट्टे दो वापिस, ये लो। थैंक यू। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते मुझे ना बहुत जोर से सुसू जाना है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय, अपना ख्याल रखना। बड़े पागल लोग हैं ये। अच्छा यस ब्रो मैं चलता हूँ, मिलते हैं फिर। ठीक है ध्यान रखिए। भाई 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 मैंने ना पता कर लिया कि ना वो सच में बहुत ज्यादा पागल है। कौन? अरे वही पागल लड़का। और भाई मगर मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोग उसे इतना प्यार करते क्यों हैं। मेरे होते हुए उसकी कैसे चल सकती है, देखना पड़ेगा। छोटी बंदूक जिंदाबाद, छोटी बंदूक जिंदाबाद। अरे छोटू दादा जिंदाबाद, छोटू दादा जिंदाबाद। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम लोगों ने मुझे गर्म कुल्फी नहीं खिलाई। पापा को बताऊंगा मैं कि तुम लोग मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो, पापा ने क्यों रखा है तुम्हें। तो दादा हाँ कंपटीशन की बात करें फिर। हाँ ठीक है करो। ए पागल बेटा रुक। भैया आप हमें ऐसे क्यों रोक रहे हो, मैं आपको बहुत मारूंगा। अच्छा वो तो हम देख लेंगे, छोटू भाई तुमसे कंपटीशन करना चाहते हैं। पहले तुम बड़े तो हो जाओ फिर कंपटीशन करो। छोटे से तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो दादा, बता दूने। अरे यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन सी कंपटीशन की बात हो रही है ये। तुम्हें पता नहीं है छोटू भाई और पागल बेटे के बीच में ना कार रेसिंग का कंपटीशन होगा, और जो जीतेगा उसकी सोसाइटी में इज्जत होगी। मुझे ये कंपटीशन नहीं खेलना, मुझे ना कार चलाना नहीं आती। और हाँ पापा ने ना मना कर रहा है कि पागल बेटे को कहीं जाने नहीं देना, तो हम लोग भी कॉम्पिटिशन नहीं करेंगे। क्यों डर गया क्या? नहीं मैं नहीं डरा। हवा निकल गई क्या? नहीं। डर गया क्या? अब नहीं डरा मैं, मुझे मंजूर है, मैं करूंगा कंपटीशन आपके साथ, मैं करूंगा, तुम डरो मत, मुझे आती है गाड़ी चलाना, मैं करूंगा कंपटीशन, बताओ कब करना है। अरे भाई ये तो मान गया, इसे कैसे करेंगे कंपटीशन? चलो। अरे कहाँ जा रहे हो, कंपटीशन का तो बता दो टाइमिंग क्या होगा, कौन सी गाड़ी चलाएंगे बताओ ना। भैया छोटू भैया बता नहीं रहे हैं यार, छोटू भैया बताओ ना कंपटीशन का। अबे यार ये तो पीछे पड़ गया, जल्दी चलो घर यार। यार वो पागल बेटा यहाँ क्यों आएगा? अरे छोटू भाई तुम टेंशन मत लो, ऐसी सुनसान जगह में कौन आएगा। भैया आपने बताया नहीं कंपटीशन कब होगा और कार कौन सी चलानी है, ये तो बता दो मुझे, और कितने बजे स्टार्ट होगा मुझे ये बताओ। चलो यहाँ से। लगता है मुझसे डर गए, देखा तुमने कैसे भाग रही है। हाँ पागल बेटे तुझसे ज्यादा कोई समझदार है इस दुनिया में? बिल गेट का फोन आया। यार मैं परेशान हो गया, मेरे पीछे पीछे आ रहा पागल बेटा, जाओ वही आ रहा है। तूने क्यों कहा उसको कंपटीशन के लिए? अरे छोटू भाई मैंने कहा था, तुमने तो कहा था उसको कंपटीशन के लिए। यार गलती होगी मुझसे। तो आपको ना गलती को सुधार लेना चाहिए, आप रेसिंग कर लो मेरे साथ।
यार मेरा पीछा छोड़ दो यार, कितने पैसे लोगे प्लीज। आप ऐसे हाथ मत जोड़ो छोटू भैया, आप मुझे पैसे दे दो 150 रुपए। यार बहुत तेज सपोर्टी लगी है भैया, आपने मुझे बताया जी रेसिंग का, एक बार बता देते कि कितने बजे चालू कर रहे हो, क्योंकि वो टाइम हो रहा है ना, मुझे रेसिंग करनी है। भाई तू बात चल, कैसे बार बार करते हो, आजा। ओके जी जी, फ्लश भी नहीं करते भैया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कंपटीशन है रेसिंग का, ठीक है, और चलो। वो तो हमें पता, लेकिन जीतने वाले को अवार्ड क्या मिलेगा? अवार्ड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, जो जीतेगा ना उसे सोसाइटी में इज्जत मिलेगी। अरे वो आपके लिए जरूरी है भैया, आप जीत जाना, क्योंकि आपकी तो इज्जत ही नहीं है। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को। अवार्ड मिलेगा फिर हमें, चले फिर रेसिंग करेंगे। और हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जीतूंगा। चल हाँ भाई, जल्दी से कंपटीशन शुरू करो, पागल बेटा रेडी है। छोटू भाई आप है ना सबसे बड़ी गाड़ी चलाओगे, लैम्बोर्गिनी। यार कहाँ है मेरी लैम्बोर्गिनी, जल्दी लाओ। रहा नहीं जाता, अभी आ जाएगी। अरे यश, ये बड़ी गाड़ी की बात कर रहे हैं आप, टेंशन मत लो, हमारे पास भी वो है, वो सरफारी फेरारी, फेरारी फेरारी है हमारे पास, हम वो चलाएंगे। अरे ज्यादा बातें मत करो, हमारी गाड़ी तुमसे बहुत बड़ी है। हाँ वो हम देख लेंगे, बड़े आए। यश मम्मी पापा कहाँ रह गए, उनको बुलाओ ना, मैं उनको दिखाऊंगा कि कैसे मैं रेसिंग कर रहा हूँ। हेलो मम्मी, हाँ जल्दी से नीचे आ जाओ, पागल बेटा ना ड्राइविंग करने वाला है। आ गए बेटा, इतनी जल्दी आ गए? आपका बेटा ना ड्राइविंग करने वाला है, आज रेसिंग होने वाली है। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसे ड्राइविंग करता था। अरे स्टार्ट करो। यश देखा, लाल वाली गाड़ी कितनी अच्छी लग रही है, मेरी वाली। काली वाली देखो कितनी अच्छी है, मेरी गाड़ी है वो। तुम तो कंपटीशन में थे ही नहीं, मेरा और छोटू का कंपटीशन था, तुम क्यों आए? मैं बीच में घुस गया। ओके नाइस। वैसे मेरी गाड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। कंपटीशन स्टार्ट तो करो। ओके पापा जी, चलो 1 2 3। अरे यार आगे लेके जाना है, क्या कर रहा है पागल बेटा, तेरे पास लैम्बोर्गिनी है, फायदा उठा उस गाड़ी का, आगे ले जा। जीतूंगा तो मैं, सबसे आगे गाड़ी तो मेरी है। अबे भाई यार मेरी इतनी धीरे की गाड़ी चल रही है। अरे तू गरीब है ना, तूने सेल नहीं डाले इसलिए चल रही है। भैया मैं जीत तो जाऊंगा ना रेसिंग, अगर मैं जीत गया तो सोसाइटी में मेरा नाम हो जाएगा। पहले रेस कर ले। ओके कर ले।
मेरे को ना यार बहुत जोर से ना सुसु आ रही है। भी कंपटीशन तो कर ले ब्रो। अरे मेरा कौन सा कंपटीशन था, छोटू भाई के साथ था, मैं तो बीच में ऐसे आ गया था। चल पुनी चल ले। मैं जीतूंगा भाई। मुझे मेरी गाड़ी दिख क्यों नहीं रही है यार? मेरी भी गाड़ी नहीं दिख रही यार, कहाँ चली गई? और गाड़ी में सिग्नल भी नहीं आ रहा रिमोट में, देखो यार मेरे रिमोट में भी सिग्नल नहीं आ रहा यार, क्या हो गया? लगता है मेरी गाड़ी बहुत दूर चली गई है इसलिए नहीं दिख रही है। अरे मुझे लगता है तुम्हारी गाड़ी ना कोई चोरी करके ले गया है। सच में? हाँ। जो जो मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी ना तुमने चुराई है। मैं तो तुम्हें बता रही हूँ, तुम तो मुझ पे शक कर रहे हो। जो 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 जो, जो गुस्सा मत हो जाओ पागल, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है। मनहूस गाड़ी नहीं दिख रही मेरी। ओए चलो जाके देखते हैं, क्या पता वहां दिख जाए। ठीक है चलो छोटू। भाई मुझे मेरी गाड़ी नहीं दिख रही है, उसमें पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। पागल बेटे, वो रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी थी, वो बैटरी से चलती है, पेट्रोल से नहीं। ओके फिर उसमें डीजल पड़ता होगा। सॉरी गाड़ी ढूंढते हैं हम। गाड़ी कहाँ हो, आ जाओ। नहीं आई। गाड़ी, मेरी गाड़ी कहाँ चली गई? मुझे रोना आ रहा है। अरे बेटा रोने से गाड़ी थोड़ी मिलेगी। अरे बेटा ढूंढनी पड़ेगी, ऐसे गाड़ी नहीं मिलेगी बेटा। ना मेरे बच्चे, नहीं नहीं। अरे पापा मिली मेरी गाड़ी। अरे अरे कहाँ से मिलेगी, अरे कहाँ गुम करते तुमने? पापा आप बुरे हो, आप तब से ढूंढ नहीं रहे हो मेरी गाड़ी, मुझे पता है। इतनी महंगी गाड़ी थी मेरी, 730 रुपए के थे। अरे बेटा ढूंढो। अरे भाई तुझे पता है मैं सुसु करके ना हाथ नहीं धोता। अरे अरे हाँ भाई, कौन जीता रेसिंग? हमारी गाड़ियां चोरी हो गई, एक भी नहीं दिख रही है, पता नहीं कौन चोर ले गया, मनहूस कहीं का। हाँ गुम हो गई। आजा चल ढूंढते हैं। ढूंढ ही तो रहे हैं तब से, तुम भी ढूंढो। ठीक है आजा। लगता है मेरी गाड़ी नहीं मिलने वाली, सारी गाड़ियां चोरी हो गई, ऐसा कौन चोर था यार? रात होने वाले, घर चलता हूँ। चलो सारे। अरे भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी गाड़ी गई कहाँ। गाड़ी कोई बात नहीं छोटे, ढूंढ लेंगे। हाँ बेटा मैं सोच रहा हूँ कि गोवा होगा, सर्दियों का मौसम है, बीच पर बैठूंगा गर्म गर्म रेत में। गर्म गर्म रेत? पापा मेरी गाड़ी गुम हुई है। बेटा मैं सोच रहा हूँ कि मैं बॉम्बे भी हूँ। हाँ रास्ते में बॉम्बे है। पापा मेरी गाड़ी गुम हुई है। अरे हाँ गाड़ी गुम हुई, अच्छा अच्छा मेरे याद आ गया। अच्छा बेटा ये गाड़ी मिलेगी कहाँ? पापा अगर मुझे पता होता कि गाड़ी कहाँ मिलेगी मैं आपको क्यों पूछता? पापा मैं बताता हूँ आपको एक बात, आप जैसे बुढ़े हो रहे हो ना तो आपका जो दिमाग है वो भी बुढ़ा हो रहा है। मैंने एक प्लान किया पापा। हाँ। कि जब मेरी शादी होगी तो मेरी बीवी आएगी तो मैं आपको और मम्मी को घर से निकाल दूंगा। तो उससे पता क्या होगा पापा कि मतलब मेरे जो बच्चे होंगे, बीवी होगी तो बच्चों का ऐसा नहीं लगना चाहिए ना घर में बुड्ढा बुड्ढी कोई रह रहे हैं, तो इसीलिए घर खाली करना पड़ेगा आपको। सही कह रहा हूँ ना मैं? कैसी बातें कर रहा है ये? अरे जाने दीजिए ना, आपको पता तो है कि पागल है हमारा बेटा। तुम्हारे पर गया है ना। गुड मॉर्निंग पापा। गुड नाइट बेटा। भाई गाड़ी खोई है, गाड़ी पे फोकस करें, गाड़ी तो ढूंढनी है ना, पैसों से खरीदी है। गुड मॉर्निंग भैया। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? गाड़ी गुम हुई है हमारी, मुझे याद आ गया, चलो ढूंढते हैं जल्दी। मुझे ना एक बात याद आ रही है। कौन सी बात जल्दी बताओ, क्या पता उससे हमारी गाड़ी मिल जाए। पर मैं भूल गई। गुड मॉर्निंग। अरे बच्चों अगर तुम लोग का हो गया हो नाटक तो खाना लगा दूं? हाँ देख लगी। नहीं मम्मा पहले मैं गाड़ी ढूंढूंगा अपनी। मुझे ना एक बात याद आ गई। हाँ फिर तुम भूल गई, मुझे पता है ऐसे ही बोलोगी। नहीं इस बार मुझे याद आ गई बात। हाँ कौन सी बात? मेरा ना फोन रह गया है। कहाँ रह गया है? छोटू भाई के पास। हाँ पापा। गोवा में आजकल रेत गर्म हो गई या ठंडी हो गई?
अरे छोटू भाई वो हमारी गाड़ी। यार गाड़ी कितनी मस्त है यार पागल बेटा जी। है ना मस्त, मजा आ गया। छोटू भाई आपका प्लान ही इतना मस्त था कि सारी गाड़ियां हमारे पास आ गई। आप तो एक नंबर के चोर हो। ये पागल बेटा मान नहीं रहा, लगता है रेसिंग कर ही लेते हैं। तुम गाड़ी चुरा लेना ठीक है, और सेकंड हैंड में बेचेंगे ठीक है भाई। हाँ। तेरे को गाड़ियां दिख रही है? ओ भाई बुलेट एचडी में दिख रही है। एक काम कर उठा ले। और अब हम ये गाड़ियां ना सेकंड हैंड में बेचेंगे और हमें ना बहुत सारा पैसा मिलेगा। हमें नहीं मिलेंगे पैसे। नहीं नहीं हम तुम्हें क्यों देंगे, तुम्हारे तुमने हमारी गाड़ियां चुराई, तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगा? तुम्हें मैं इनको छोड़ूंगा नहीं यश, इनको पकड़ लो, जाओ जाओ तुम भी चलो हमारे साथ घर चलो। क्यों? क्योंकि वहां लंगर लगा है। हाँ चलो 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 इनको तो मैं बताता हूँ घर जाके। ठीक है मेरी प्यारी गाड़ियां तो ले लूं यार। हाय मेरी कितनी प्यारी गाड़ी है, सुंदर गाड़ी, सुशील गाड़ी। ले 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 ले। चले ओके। शर्मा जी ऐसा करना कि बॉम्बे गोवा का कैंसिल कर दो, सुना कि वहाँ रेत गर्म हो चुकी है। आ जाओ सब अंदर आओ। कहाँ लगा हुआ है लंगर? यहाँ पे लंगर अभी लगेगा, यहाँ बैठो। सर मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। मारो मुझे मारो। अगर तुम लोग जगह से हिले ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, क्योंकि तुम मेरे घर में हो और मैंने कुंडी लगा दी है। चुपचाप मुर्गे बन जाओ जल्दी। भाई सॉरी भाई, गलती होगी, छोड़ दो भाई प्लीज। ओए ज्यादा मत बोल, तूने मेरी गाड़ी जब चोरी की तब तूने सोचा था क्या पागल कहीं का? मैं नहीं छोड़ूंगा, मुर्गा बने रहो। और हाँ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम लोग ना अंडे नहीं दे देते। जल्दी से अंडे दो फिर छोड़ूंगा। छोड़ दो यार प्लीज, गाड़ी तो चुराई है। मुझे नहीं पता तुम लोग अंडे नहीं दोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई घर से कॉल आ रहा है, अपना फोन स्विच ऑफ करो, तुम्हें कॉल आ रहा है घर से, कॉल मत उठाना ठीक है, अंडे दो फिर घर जाओ। भाई हम कोई सच के मुर्गे थोड़ी ना है जो अंडे देंगे, छोड़ देना यार। भाई छोड़ दे यार, पता नहीं कहाँ पहुंच गए यार, पता नहीं। कैसी लगी वीडियो? वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दो चैनल, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां मैं वीडियो की अपडेट देता रहता हूं। तो जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, प्यार बनाए रखें।